नमस्कार, राम राम, प्रणाम। का ब्रेकफास्ट है रोटी और ये भिंडी फ्राई। कैसे हैं? ठीक है। आज ये आए हैं छत पे बात करने के लिए। इतनी खूबसूरत शाम कहाँ देखने को मिलेगी। वो अभी कुछ बातें हो रही है, कौन सा डांस करना है, किस गाने पे करना है। मिट्टी, उसको अंगूर भी बोल सकते हैं। अंगूर इज हैंडपम्प है और ये कुआं है। Hey there. Subscribe to my channel. नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मेरे चैनल दीपा नीरू सिंह में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो लॉट्स ऑफ थैंक यू। सो ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हूँ, फटाफट अब नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में मैंने क्या बनाया मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और काफ़ी लेट हो रहा है। आज है ट्यूसडे 11th of May और आज का ब्रेकफास्ट है रोटी और ये भिंडी फ्राई और ये नीमा। हम बिहारी लोग तो इसको नेवा बोलते हैं। ये मैंने आज दाल डाल के नहीं बनाया, सिर्फ नेवा डाला है। मिलेगी ये देखिए, मेरे छत से ये व्यू देखिए, आप लोग सब देखिए। मतलब मैं जो अभी अपनी आंखों से जो ये व्यू देख पा रही हूँ ना, वो शायद ही ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा। उतनी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही है। इतनी खूबसूरत ये व्यू है ढलते हुए शाम की कि क्या ही बोलो। इतना खूबसूरत नज़ारा और यहाँ पे वॉलीबॉल मैच चल रहा है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये रही मैं छत पे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। ये देखिए, मैं इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ जैसा ये ऑरेंज दिख रहा है, बट मुझे वैसी क्लिप मैं नहीं ले पा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने, मतलब थोड़ी दूर पे मैंने जूम करके रखा है। ये बच्चे इतने प्यार से डांस कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो शूट करते करते मैंने देखा, अभी इस घर में कुछ दिन पहले शादी थी। ये देखिए, वो अभी कुछ बातें हो रही है, कौन सा डांस करना है, किस गाने पे करना है। ये देखिए, स्टार्ट हो गया इनका डांस। मेरे कैमरे में उतनी क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस मोबाइल फ़ोन से बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम। कल मैं जो वीडियो शूट कर रही थी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज सेकेंड डे है 12th May और ऑलरेडी मेरा सब्जी बन गया है। दूध मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ और आज मैं बना रही हूँ खट मिट्टी।
इसको आम गुड़ भी बोल सकते हैं। तो ये आज डिफरेंट वाला बना रही हूँ। आज ये मैंने देखा है यूट्यूब पे, आज इसको क्रश करके मैं बना रही हूँ। तो ये इतने सारे आम है, इसको भी क्रश करूँगी और फिर इसे बनाती हूँ। ये गर्मी में ये खाने में बहुत मज़ा आता है। आप इसे बना करके फ्रिज में स्टोर करके आराम से एक दो महीने रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमी बनता है, बहुत ईजी है बनाना। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है इसे क्रश करने में। सो यूट्यूब पे बने रहिए। आम गुड़ इज रेडी, पूरे अच्छे तरीके से हो गया है। आपको आज अपने घर का बैक साइड का एरिया दिखा के, इतनी ग्रीनरी और इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं कल ऑफिस जाने के टाइम पे आपको बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे जो बहुत छोटे छोटे थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए। मैं आपको लेके चलती हूँ। और ये डॉगी हमेशा यहीं पे बैठा हुआ रहता है। ये देखिए, मुझे ये एरिया इतना पसंद है ना, मतलब दूसरी साइड में जो है बिल्कुल लगेगा कि गांव में आ गए हैं। यहाँ पे कुआँ है और काफ़ी सारे लोग कुआँ पे जब पानी वानी भरते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक हैंडपम्प है और ये कुआँ है। ये अभी लास्ट ईयर ये साइड में टूट गया था, तो इसे अभी कवर कर दिया गया है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दोपहर में खेलते रहते हैं। और मुझे हैंडपम्प इतना मस्त दिखता है ना, मुझे अपने नानी के गांव याद आती है। जब वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा ही हैंडपम्प होता है। और ये मेरा कूलर इस बार यूज़ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो अब टाइम हो गया फिर से अपने ऑफिस जाने का। सो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, नहाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। और ये मेरा बाहर का एरिया, ये ऊपर टेरेस जाने का एरिया। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। इतना बड़ा खरबूज मुझे मिला है, वाटरमेलन। और दुकान वाले ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए ये से ये कटिंग करके दी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा, ये 4.5 kg का वाटरमेलन है, कितना ही अकेले इसको खाने वाली हूँ। अभी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो उसी के लिए सारा चीज़ें ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। तबीयत पहले थोड़ी ठीक कर लूँ, फिर सारे काम करूँगी। आप मेरे फेस से देख ही रहे होंगे कि आइज वगैरह कितने स्वेलन अप हो चुकी है, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से थोड़ा रिकवर की हूँ इतनी वीकनेस और इतनी लेजीनेस होती है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। बट फिर भी क्या बोलते हैं, आसक्त करना, लेजीपन से सारी चीज़ों को तो छोड़ नहीं सकते हैं। एटलीस्ट पेट पूजा करने के लिए खाना पीना बनाना ही पड़ता है, इतना चीज़ करना पड़ता है। और हाँ, सबसे बड़ा चीज़ हेल्प मुझे मिल गया है कि मेरी हाउस हेल्पर मुझे मिल गई है, तो झाड़ पोछा करने में थोड़ी सी राहत मिल गई है उस चीज़ से। एनीवेज ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।